आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाले हैं, जिस चीज़ के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है और वो परेशान होते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको पता है तो आपको बहुत इजी होने वाला है जीएसटी के वर्क में। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रैक्टिकल अप्रोच है। पहले उससे पहले एक ये चीज़ समझते हैं कि जो जीएसटी का फॉर्मेट होता है ना, एक जीएसटी नंबर जो भी होता है आपका, तो जीएसटी के नंबर में, एक सेकेंड क्या हो गया, हाईलाइट नहीं हो रहा, कोई नहीं, चलो अभी ऐसे देख लेते हैं। ये जीएसटी का जो नंबर है उसमें स्टार्टिंग में 2 डिजिट्स मिलेंगी आपको, जो जैसे यहाँ पे लिखा है 22, क्लियर है। सो 22 जैसे लिखा है ना यहाँ पे, तो 22 का मतलब ये स्टेट कोड को रेफर करता है। इसका मतलब है स्टेट कोड, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं हर स्टेट का अपना एक कोड है, तो स्टार्टिंग में वो कोड होता है, तो उस कोड के थ्रू मुझे पता चल जाता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेट का है। फिर उसके बाद में ये जितनी भी डिजिट्स लिखी हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक एग्जांपल लिखा है आपको डिफरेंट होगा, वो होता है पैन नंबर। ठीक है, उस पर्सन का जिसका वो जीएसटी है उसका पैन नंबर होता है। पैन कार्ड नंबर जो होता है हर पार्टनरशिप का, कंपनी का, इंडिविजुअल का, सबका वो पैन कार्ड होता है। तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड की डिटेल मिल जाएगी। एक चीज़ और बताता हूँ, पैन नंबर जो होता है ना हर पर्सन का एक होता है। पैन का मतलब ही एक तरह से ये ऑल ओवर इंडिया एक नंबर है आपके पास। ठीक है, जीएसटी नंबर आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं, एक स्टेट में अलग, दूसरे स्टेट में अलग, वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है तो वहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं। सो अगर मेरा एक, मैं फॉर एग्जांपल पीयूष गुप्ता, मेरे बिजनेस हैं ऑल ओवर इंडिया 7 प्लेसेस पे, 7 स्टेट्स में, तो मेरे पास 7 स्टेट्स में सब रजिस्ट्रेशन होंगे। ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये सब में सेम होगा, क्योंकि ये क्या है, पैन नंबर है। इसके बाद ये 1 होता है, 1, 2, 3 होता है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है, तो उस हिसाब से कोडिंग होती है, गवर्नमेंट अपने आप करती है। जेड, ये बाय डिफॉल्ट जेड हर जीएसटी नंबर में आपको मिलता है। ये 5 जो है ये उनका गवर्नमेंट का अपना कोई एक फॉर्मूला है जिसके हिसाब से ये नंबर सेट करते हैं। इससे गवर्नमेंट को थोड़ा आइडेंटिफाई करने में ईजी होता है कि जीएसटी नंबर गलत तो नहीं है। ये किस फॉर्मूले पे बना है, कैसे बना है, वो किसी को नहीं पता है, वो सिर्फ गवर्नमेंट का है। तो ये रैंडम नंबर होता है मेरे लिए, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये शुरू की 2 डिजिट और ये डिजिट, इससे मुझे क्या पता चल सकता है, पैन नंबर। तो प्रैक्टिकल करते हैं, थोड़ा समझते हैं प्रैक्टिकली। मैं अभी एक वेबसाइट ओपन करते हैं, जीएसटी की वेबसाइट, जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है gst.gov.in। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स .gov, गवर्नमेंट का gov.in। ठीक है, मैं क्या करूँगा, देखो ये वेबसाइट जो है, पहले वेबसाइट से थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं, या इसकी मैं सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ इंट्रो की। फिलहाल हम क्या जाते हैं, सर्विसेज में जाते हैं। यूज़र सर्विसेज में देखो, यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे है सर्च टैक्स पेयर, सर्च टैक्स पेयर, सर्च बाय जीएसटी नंबर। मैं क्या कर क्या रहा हूँ, मैं जीएसटी नंबर से ना किसी पर्सन की सारी डिटेल निकाल रहा हूँ। इल्लीगल काम नहीं है, कोई हैकिंग नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ने ऐसी फैसिलिटीज दी है। ठीक है, मैंने क्या करा, सर्च टैक्स पेयर, सर्च बाय जीएसटी नंबर, मैंने उस पर क्लिक करा, ये मेरे पास एक पेज ओपन होके आने वाला है, ये पेज ओपन होके आया। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वो जीएसटी नंबर एंटर कर दूंगा, ये मैंने एक जीएसटी नंबर कहीं से लिया है। ठीक, इसके बाद मैं क्या करूँगा, 920, ये जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है 920167, और क्या कर दिया, सर्च कर दिया। अरे ये तो सारी डिटेल निकल के आ गई, क्या डिटेल निकल के आई, ये कौन सी कंपनी है, ये है PVR लिमिटेड, सिनेमा, PVR सिनेमा हॉल है ना, उसकी डिटेल थी ये, PVR लिमिटेड। इसका ट्रेड नेम क्या है, PVR लिमिटेड, कंपनी का एक्चुअल नेम क्या है, PVR लिमिटेड। ये इसका जरिस्ट्रिक्शन आ गया, कौन से स्टेट का ये कोड है, गुड़गांव का है। पता है क्या, मैंने जैसे अभी कोड जो लिखा था ना, वो कोड क्या लिखा था मैंने, जीएसटी नंबर मतलब जो था 06 से स्टार्ट था, 06 से मुझे पता चला कि वो सारे गुड़गांव के जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे वो किससे स्टार्ट होंगे, 06 से। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये है मेरे पास 1/7/2017, तब रजिस्ट्रेशन करा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जीएसटी स्टेटस एक्टिव है, रेगुलर टैक्स पेयर है, सब कुछ है इसका। और शो फाइलिंग टेबल, मैं यहाँ पे देखता हूँ, मेरे पास सारी डिटेल निकल के आ गई, उन्होंने कब कौन सी रिटर्न फाइल करी थी, कैसे करी थी, नहीं करी थी कब। देखो GSTR 3B की बात करता हूँ, पहली बात GSTR 3B कौन से ईयर की, 1920 की, फरवरी की उन्होंने फाइल कर दी थी 18 मार्च को, स्टेटस फाइल। फिर इसी तरह से GSTR 1, GSTR 3B, ये सारी डिटेल मेरे पास निकल के आ रही है,
कि हाँ उन्होंने सारी रिटर्न्स अपनी फाइल करी है या नहीं करी है, सारी की सारी डिटेल मेरे पास यहाँ पे उस कंपनी की निकल के आ गई। बात क्लियर हुई? तो आप क्या करोगे, आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कोई ना कोई परचेज करी होगी जिसका आपके पास इनवॉइस होगा, उस इनवॉइस पे जीएसटी नंबर होगा उस पर्सन का, उस नंबर का जीएसटी नंबर यहाँ पे एंटर करोगे। एग्जाम्पल डोमिनोज में जाओगे, मैकडी में जाते हो, या फिर कोई आपने टीवी परचेज करा होगा, फ्लिपकार्ट से परचेज करी होगी, अमेजोन से परचेज करी होगी, जीएसटी नंबर होगा, उससे एक बार सर्च करके ट्राई करना, ठीक है? ये होमवर्क है एक तरह से आपका। मैंने अभी क्या बात करी, ये जीएसटी नंबर ये था, मैंने कहा था कि शुरू की 2 डिजिट क्या होती है, स्टेट कोड होता है, उसके बाद की जो यहाँ तक की ये होता है, ये क्या होता है, पैन नंबर। ये पैन नंबर है, मतलब पीवीआर अभी ऑल ओवर इंडिया कितनी सारी जगह है ना, उसके कितने सारे रजिस्ट्रेशन होंगे, ठीक है? हर स्टेट में एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा उसका कंपलसरीली, और एक स्टेट में एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो, वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसके हिसाब से आप ले सकते हो। तो मतलब कितनी सारे रजिस्ट्रेशन होंगे, मैं क्या करता हूँ, ये पैन कार्ड नंबर कॉपी कर लेता हूँ उसका, ये मुझे पता चल गया ना पैन कार्ड नंबर है ये, मैंने क्या करा इतना कॉपी कर लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, सर्च टैक्स पेयर में दोबारा जाता हूँ, क्लिक करा सर्च बाय पैन, इस बार किस तरह से कर रहा हूँ, सर्च बाय पैन नंबर, पैन नंबर में मैंने यहाँ पे गया, पेस्ट कर दिया, यहाँ पे ये कोड एंटर करा 6635, क्या हो गया 555, अच्छा सर्च, ये देखो उस पैन नंबर पे जितने भी रजिस्ट्रेशन है सारी डिटेल मेरे पास निकल के आ गई। एक चीज देखो ना, 36 रजिस्ट्रेशन ये कहाँ का है, तेलंगाना का, 18 नंबर कहाँ का है, असम का, 29 ये रजिस्ट्रेशन कहाँ का है, कर्नाटका का। इसमें ना पैन नंबर सबका एक सेम आ रहा है, AAACP4526D, ये सबके सबके क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, सबके क्लियर हो रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे उस पीवीआर के जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है सबकी डिटेल निकल के आ गई। मैं इसके बाद देखो, ये तो एक पेज हुआ 10 20, मैं लास्ट पेज पे जाऊँ 80, उसके टोटल 80 रजिस्ट्रेशन है, इसमें से कुछ इनएक्टिव है, मतलब उसने रजिस्ट्रेशन लिया होगा, अब उस पर रिटर्न फाइल वगैरह नहीं कर रहे हैं, हो सकता है सरेंडर कर दिया हो या हो सकता है बिजनेस क्लोज हो गया हो। तो इस तरह से टोटल मिला के आज तक उनके रजिस्ट्रेशन कितने हुए, 80 रजिस्ट्रेशन हुए। मैं कोई से भी एक पे क्लिक करूंगा ना, जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, क्लिक करके वो मेरे पास पिछले वाला पेज ओपन हो के आ गया जहां मैं सर्च बाय जीएसटी नंबर करता था, हो रहा है ओपन, ये आ गया। यहाँ पे क्या करूंगा, 6016019 47, एंटर, देखो पीवीआर लिमिटेड की इंदौर की सारी डिटेल निकल के आ गई। इसकी फाइलिंग टेबल देखता हूँ, ये सारी डिटेल निकल के आ गई, समझ में आया कितना हैंडी टूल है। मतलब इससे आपके पास जीएसटी नंबर है ना किसी का, वो चेक कर सकते हो। और कभी कभी रिटर्न फाइल करते वक्त ना, जीएसटी नंबर है, नाम है, वहाँ पे आपको लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गई है, तो आप चेक कर सकते हो वो सही भी है या नहीं है, उस पर्सन ने रिटर्न फाइल भी करी है या नहीं करी है, तो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। बात क्लियर हुई वाली सारी? तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसको आप 2-3 जीएसटी नंबर से, पैन नंबर से, इस तरह से आप ट्राई करना। तो जीएसटी नंबर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप जरूर 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 ट्राई करना, ठीक है? बाय बाय।